वालेकुम सलाम मामा, क्या हाल है? बहुत ठीक है। सब खेल लगा पड़ा है? अल्लाह की मेहरबानी। मामा, इन कुकड़ों के शौक में आपको कितना टाइम हुआ है? हमारे को 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए? जी जी। अच्छा, इनमें से अच्छी नस्ल कुकड़ों की कौन सी है? अच्छी नस्ल है, जोगी नस्ल है। जोगी नस्ल है जी जी। वो लड़ते अच्छा है? हाँ। अच्छा, इन कुकड़ों में बीमारियाँ वगैरह भी होती है क्या? वो होती है, लड़े की बीमारी होती है। अच्छा, वो जिसमें बच नहीं सकते हैं। अच्छा, उसको टीके लगाने पड़ते हैं बस लड़े से पहले। सही। और उसको गोली खिलानी पड़ती है। सही। ठीक हो जाता है। सही। अगर लड़ा हो गया तो फिर कुकुर नहीं बचेगा? नहीं, लड़ा होगा वो फिर बचेगा, वो लड़ेगा नहीं। सही सही। बीमारी इसको खत्म कर दी। मामा, जोगी की निशानी क्या है कि ये जोगी नस्ल का कुकुर है? हम कैसे पहचाने कि ये जोगी नस्ल का कुकुर है? जोगी की जिन्स होती है ना, जैसा हर चीज में जिन्स होती है ना। सही। कड़की में जिन्स होती है, चावल में जिन्स होती है। सही। इसमें भी यही जोगी जिन्स होती है, नाम जोगी होता है। अच्छा, नाम जोगी होता है। सही। तो उसकी मतलब आंखें अच्छी होती है या चोंच अच्छी होती है? होती है, टांगी छोटी होती है। सही। उसके जो जोड़ होते हैं आगे वाले पीछे वाले। सही। वो दूर नहीं होना चाहिए। सही। नजदीक होना चाहिए। सही। आंख छोटी होना चाहिए। चोंप जो होती है वो चप्पू जैसा होना चाहिए। सही। और वो जो घीची है वो घीची भी छोटा होना चाहिए, बड़ी घीची वाला नहीं लड़ सकता। सही। मतलब जो जोगी नस्ल होती है वो लड़ने में सबसे अच्छी होती है? सबसे अच्छी होती है। अच्छा, और जो कुकड़ा आप लड़वाते हैं वो सेट कैसे करते हैं, उसको तैयारी कैसे दी जाए कि ये कुकड़ा लड़ेगा? हाँ, फिर उसको पहले लड़ाते हैं वाले, उसको बाद में उसको सेके देते हैं। सही। लड़ाने को बाद में 3-4 दिन सेके देते हैं, उसको भगाते हैं, घुमाते हैं। सही सही। फिर बाद में वाले उसको लड़ाते हैं। सही। देखते हैं तो इसमें क्या कमजोरी है। सही। या इसमें बीमारी तो नहीं। सही। या इसमें दम तो नहीं। सही। वो देख के बाल करके बाद में उसको लड़ाते हैं। मामा, अगर मुर्गे को दम वगैरह हो जाए तो फिर उसको कैसे सेट करते हैं आप? हाँ, उसके लिए होता है नीम की चोटी, नहीं होती है जी जी, नीम दरख्त को जो होता है। हाँ। उसकी नीम की चोटी और थूम। सही। वो दोनों मिला के। सही। वो उसको खिलाते हैं। और छेड़ा नहीं होता? सही। गोबर। गोबर जी जी। वो उसका जो रस होता है ना। सही। वो 2-3 चमचे उसको रोजाना पिलाना है। सही। उससे 3-4 दिन से वो दम खत्म हो जाएगा। सही सही। और मामा, मैंने काफी सारे कुकड़ों के शौकीनों को देखा है, सुबह को लाठी हाथ में कुकड़ को भगाते हैं। हाँ, इसके लिए भगाते हैं, जो जगह पे खड़े होते हैं तो वो लड़ते नहीं है। सही सही। उसके रूप से बंद होते हैं। सही सही। जो भगाते हैं, लड़ाते हैं, घुमाते हैं ना, वो उसकी जान खुल जाती है, वो शौक से लड़ते हैं। और मामा, काफी सारे मैंने कुकड़ देखे हैं, कभी कभी मेलों में हम भी जाते हैं तो वो आते हैं टेप से उनकी खड़े बांधते हैं, वो छोटे होते हैं, फिर ये क्या होता है? होता है तो पैसे का चक्कर होता है। सही। जैसा लड़ाने वाले होते हैं तो वो अगर देखते थे ये लड़ने जैसा है तो लड़ा है। सही। अगर जैसा लड़ाने वाले शौक वाले नहीं होते वो नहीं लड़ा। ये तो पैसे का चक्कर है। सही। जिसकी वो खड़े नहीं होती है उसको खड़ा बांध के फिर लड़ाते हैं। सही। मतलब ये जुल्म है? ये जुल्म है। ये जुल्म है, ये जुआ है। सही। मतलब ये शौकीन का काम नहीं है? शौक नहीं है। सही सही। ये पैसे के चक्कर में है। सही सही। मतलब आपने शौक अच्छा किया है अभी तक? बस अल्लाह की मेहरबानी है, अभी 2-3 घर मुर्गे मेरे पास है। सही सही। जो हम लड़ा रहे हैं उसको पाल रहे हैं, खड़े हैं। सही सही। मामा, अगर मुर्गे को लड़ा हो जाए, बता रहे हैं लड़े की बीमारी, तो उसको क्या करते हैं? हाँ, लड़े की बीमारी से पहले 5 लाख सुई उसको डालें। सही। तो वो लड़े ही नहीं आएगा। सही। अगर लड़ा हो गया तो फिर वो 5 लाख सुई उसमें डालते हैं। 5 लाख सुई? 5 लाख सुई उससे सेट हो जाता है वो, उसमें लड़े की जो बीमारी है उसकी जान सारी खत्म हो जाएगी। सही। सूख जाएगा, लड़ नहीं सकेगा आगे से, बाकी जिंदा रहेगा। सही सही। बच्चे कर सकता है। सही सही। मामा, ये मियां वाली का मुर्गा और सिंध की मादी, ये पता नहीं क्रॉस करवा के ब्रीड ले रहे हैं, ये ब्रीड कैसी है? हाँ, वो जो सिंध के मुर्गे हैं, हाँ जी, मियां वाली मादी है। हाँ जी। वो इसके लिए लड़ाते हैं, जो क्रॉस कराते हैं तो वो सिंधी जो है वो जान में मजबूत होता है। सही। वो जो मियां वाली होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। सही। इसके लिए वो नर सिंधी जो मुर्गा होता है। सही। वो उसको मियां वाली मादी के ऊपर छोड़ेंगे तो वो बच्चे करेंगे, वो बच्चा नहीं छोटा होगा नहीं बड़ा होगा, जान में मजबूत होगा, पूरा निकल आएगा। सही। वो माँ के जोर पे वो खड़ा छूट भी चलाएगा, जब उसमें मार आएगी खड़े लगेंगे तो उसका अपने बाप होगा जिसका
रुकेगा वो उसके जोर पे वो खड़ा हो बर्दाश्त कर देंगे। हमने सुना है कि आपके पास छोटा सा शौक है, वो भी हम आप हमें दिखाएं या वो भी हम देखें। देखे हैं वो मेरे पास भी है। मामा ये मुर्गा आपका आपने आना बचा है या आपने क्या जलिया है? नहीं ये आना बचा अपना है। ये अभी कोरा है या लड़ा हुआ है? अभी लड़ा हुआ दो मेरे से उठाए हैं। दो मेरे से उठाए हैं। हाँ सही। अभी लड़ के लिए तैयार है या बस अभी बंद किया हुआ है मुर्गा? मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। अभी तैयार कर रहे हो जी। ये कितने मिनट लड़ता है ये? बस दो तीन मिनट लड़ता है। पाँच मिनट ज्यादा है। सही।